भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस साल के मध्य तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से 30 लाख अधिक हो जाएगी। ये बात संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट में सामने आई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसके मुताबिक भारत की जनसंख्या इस साल 1,42,86,00,000 हो जाएगी। वहीं चीन की जनसंख्या 1,42,57,00,000 रहेगी, जबकि 34 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अनुमान फरवरी 2023 तक उपलब्ध डेटा पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 एस्टिमेट्स इंडियाज पॉपुलेशन एट 1,428.6 मिलियन और 1,42,86 बिलियन अगेंस्ट 1,42,57 बिलियन ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने साफ कहा कि भारत और चीन से आने वाले आंकड़ों को लेकर अनिश्चितता के कारण सही समय बताना मुश्किल है कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन से किस दिन आगे निकल जाएगा, खासकर तब जब भारत की आखिरी जनगणना 2011 में की गई थी और 2021 में होने वाली अगली जनगणना अब तक महामारी के कारण कराई नहीं जा सकी। हालांकि कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि आबादी के मामले में भारत पहले ही चीन को पीछे छोड़ चुका है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने खबर दी थी कि नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। 1950 के बाद से वैश्विक जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। 2020 में जनसंख्या वृद्धि दर 1% से कम हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के ताजा अनुमानों के अनुसार दुनिया की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब हो जाएगी। 2080 तक इसके लगभग 10.4 अरब के शिखर तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, और हो भी यही रहा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, और चीन से आगे निकलने वाला है भारत। 2023 में दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया हैं। इनमें 2.3 अरब लोग रहते हैं, ये वैश्विक आबादी के 29% है। वहीं मध्य और दक्षिण एशिया में 2.1 अरब आबादी रहती है, ये विश्व की कुल जनसंख्या की 26% है। 2022 में भारत और चीन की आबादी 1.4 अरब से अधिक है। ये दोनों देश विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देशों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार 2035 में भारत की शहरी आबादी 67,54,56,000 तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की 2020 में शहरी आबादी 48,30,99,000 थी। वहीं 2025 तक इसके 54,27,43,000 और 2030 तक 60,73,42,000 होने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि वर्ष 2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कुल आबादी का 43.2% हो जाएगा। रिपोर्ट में चीन के बारे में कहा गया था कि वहां 2030 तक की आबादी 1.05 अरब हो जाएगी, जबकि एशिया में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 2.99 अरब होगी। दक्षिण एशिया में ये संख्या 98.76 करोड़ होगी। खैर, देखना तो अब यह होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बनेगा तो इसे नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ करेगा भारत। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।